Hey friends, hi, this is Ajay again from Infinity Salon Education. और दोस्तों आज मैं फिर से आपके लिए लेके आया हूँ एक नया टॉपिक और आज का हमारा टॉपिक है हेयर कलर पर और आज मैं बात करने वाला हूँ वेला ब्रांड के हेयर कलर पर। दोस्तों मेरे हिसाब से ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल और इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों अगर आपको वेला ब्रांड के कलर के बारे में जानकारी चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से और एंड तक ज़रूर देखिए। लेकिन दोस्तों आज का ये वीडियो देखने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारे जो वेला ब्रांड का जो स्पेशल मिक्स का कल वीडियो है उस वीडियो को जाके ज़रूर देखिए, क्योंकि वो वीडियो अगर आपने देखा नहीं तो ये वीडियो आपको शायद समझने में मुश्किल हो सकती है। अगर आपने वो वीडियो पहले ही देखा है तो आपको ये वीडियो समझने में आसानी होगी। अगर दोस्तों आपको ये स्पेशल मिक्स कलर क्या है, वो उनका कैसे यूज़ करना है, उसके बारे में जानकारी चाहिए तो उस पहले वाले वीडियो को ज़रूर जाके देखिए। उसकी लिंक मैंने नीचे याद रखिए डिस्क्रिप्शन में देके रखिए, तो प्लीज़ उस वीडियो को जाके ज़रूर देखिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये ट्रेनिंग सेशन, जो है याद रखिए जो है स्पेशल मिक्स पर, यानी वेला ब्रांड की जो स्पेशल मिक्स कलर्स है उसके ऊपर है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो वेला ब्रांड के स्पेशल मिक्स के कलर है वो आपको किस तरह या कितनी क्वांटिटी में यूज़ करना है किसी भी कलर के साथ। हो सकता है आप में से कई सारे ऐसे व्यूअर हो जिन्हें ये स्पेशल मिक्स सीरीज पहले से पता है, लेकिन उन्हें ये शायद पता नहीं होगा कि इसे कितनी क्वांटिटी में किसी भी कलर के साथ कैसे मिक्स करना है ताकि वो कलर की इंटेंसिटी को इम्प्रूव कर सके और आज या इंटेंसिटी को बढ़ा सके। और आज के इस वीडियो में यही इसी टॉपिक पर या इसी पॉइंट पर बात करने वाला हूँ कि आपको जो स्पेशल मिक्स कलर है वो कोई भी कलर के साथ किस तरह मिक्स करना है या कितना क्वांटिटी में मिक्स करना है और कैसे यूज़ करना है। बाकी दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और साथ में बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको ऐसे ही नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अगर ये वीडियो आपको सच में अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक थम्स अप भी ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। दोस्तों जो ये स्पेशल मिक्स कलर है, जो वेला ब्रांड के स्पेशल मिक्स कलर है, इसे कैसे यूज़ करना है, इसके दो तरीके। एक तरीका है मैजिक नंबर 11, यानी एक तरीका है याद रखिए मैजिक नंबर 11, और दूसरा है एक इजी तरीका जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। आप छोड़ दो ये मैजिक नंबर 11 फंडा या टेक्निक क्या है, मैं आपको एक सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ कि आपको ये वेला ब्रांड के जो स्पेशल मिक्स कलर है वो आपको किस तरह से कलर के साथ यूज़ करना है ताकि आप कोई भी कलर की इंटेंसिटी को या उसकी वाइब्रेंसी को बढ़ा सकते हो। दोस्तों ये जो वेला ब्रांड के जो स्पेशल मिक्स के कलर है इसे आपको कोई भी कलर के साथ किस तरह से या कितनी क्वांटिटी में यूज़ करना है उसके लिए मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया है और ये चार्ट की मदद से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको कितनी क्वांटिटी कोई भी कलर के अंदर, यानी स्पेशल ब्रांड के जो कलर्स है वो कितनी क्वांटिटी कोई भी कलर में कैसे मिक्स करना है। तो चलो उस चार्ट को भी देख लेते हैं और हो सके तो इस चार्ट का आप स्क्रीनशॉट निकाल के रखिए ताकि आपको आगे जाके हेल्पफुल रहेगा कि किस कलर के अंदर कौन सा स्पेशल मिक्स कितनी क्वांटिटी में यूज़ करना है या मिक्स करना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए इस चार्ट को ध्यान से, यहाँ पर दो कॉलम है, एक कॉलम है डेप्थ, इस डेप्थ को हम लोग लेवल भी कह सकते हैं या बेस भी कह सकते हैं, और दूसरा कॉलम है मिक्सिंग रेशियो, यानी स्पेशल मिक्स आपको कितना मिक्स करना है किस बेस के साथ उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं लिखा है 7 नंबर का बेस और इस 7 नंबर के बेस के अंदर आपको कोई भी स्पेशल मिक्स मिक्स करना है तो आपको 4 ग्राम मिक्स करना है। उसी तरह सपोज़ मैं अगर 6 नंबर का बेस लेता हूँ या डेप्थ लेता हूँ तो उसके अंदर आपको 5 ग्राम स्पेशल मिक्स मिक्स करना है। अगेन यहाँ पर देखते हैं, सपोज़ मैं बेस लेता हूँ 4 नंबर का और उस 4 नंबर के अंदर सपोज़ मुझे कोई भी स्पेशल मिक्स मिक्स करना है तो मुझे 7 ग्राम स्पेशल मिक्स उसके अंदर ऐड करना है। और ये जो रूल है कितना स्पेशल मिक्स मिक्स करना है, ये रूल आपकी एक 60 ग्राम ट्यूब के लिए, याद रखिए पूरी 60 ग्राम की ट्यूब के लिए है। लेकिन अगर सपोज़ एग्जांपल के 30 ग्राम का कलर लेते हो तो 30 ग्राम में आपको ये हाफ करना है, याद रखिए ये जो स्पेशल मिक्स आप ऐड करोगे ये हाफ ऐड करना है। यानी सपोज़ मैं 6 नंबर या 8 नंबर का सपोज़ कलर लेता हूँ और 8 नंबर की कोई भी ट्यूब लेता हूँ 30 ग्राम, तो उसके अंदर आपको 3 ग्राम नहीं 1.5 ग्राम उसका हाफ, 3 ग्राम का हाफ दैट इज 1.5 ग्राम आपको स्पेशल मिक्स ऐड करना है। चलो इसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ ताकि आपको ये समझने में इजी हो जाए। यहाँ पर देखिए सपोज़ मैं एक कलर लेता हूँ 12 stroke 11, तो ये 12 stroke 11 है, उसके अंदर आपको सपोज़ 0 stroke 11 दैट इज स्पेशल मिक्स 0 stroke 11 ऐड करना है,
तो आपको उसे 3 ग्राम ऐड करना है अकॉर्डिंग टू द टेबल। यानी याद रखिए, अगर मैं 12 स्ट्रोक 11 के अंदर सपोज 0 स्ट्रोक 11 ऐड करता हूँ ताकि उस कलर की इंटेंसिटी या वाइब्रेंसी बढ़ाने के लिए, तो मुझे जो 0 स्ट्रोक 11 स्पेशल मिक्स है वो 3 ग्राम उस कलर ट्यूब के अंदर ऐड करना है। आई होप दोस्तों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये स्पेशल मिक्स कलर है वो किसी भी कलर के साथ आपको किस कितनी क्वांटिटी में ऐड करना है। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो मैं आपको और एक एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये स्पेशल मिक्स की कलर ट्यूब है, यहाँ पर देखिए, और ये कलर है आपका 0 स्ट्रोक 66। यहाँ पर देखिए, ये कलर है 0 स्ट्रोक 66, यानी इसका मतलब 66 का मतलब है वॉयलेट इंटेंस, यानी इंटेंस वॉयलेट कलर है। और ये देखिए, ये ट्यूब है आपकी स्पेशल मिक्स की, ध्यान से देखिए इस ट्यूब को। और यहाँ पर देखिए, ये मेरे पास कलर है 55 स्ट्रोक 66, यानी ये यहाँ पर 5 नंबर का बेस है, दैट इज़ डेप्थ, और ये आपका 66 का रिफ्लेक्शन है, इसे हम टोन भी कहते हैं। अगर सपोज आपको ये 66 की इंटेंसिटी बढ़ानी, याद रखिए आपको ये 66 की इंटेंसिटी बढ़ानी है, तो उसके अंदर आपको ये कलर मिक्स करना है, दैट इज़ 0 स्ट्रोक 66। यानी अगर आपको यहाँ 66 की इंटेंसिटी बढ़ानी है तो आपको इसके अंदर ये जो स्पेशल मिक्स में 0 स्ट्रोक 66 है वो इसके अंदर आप ऐड कर सकते हो। अब मैं बात करता हूँ कि आपको ये 0 स्ट्रोक 66 ये आपको इसके अंदर कितना ऐड करना है, और इसके लिए आपको चार्ट देख सकते हो, चार्ट में लिखा है कि 5 नंबर का बेस के अंदर अगर आपको कोई भी रिफ्लेक्शन ऐड करना है तो आपको 6 ग्राम, यानी अगर मैं 60 ग्राम की ट्यूब लेता, याद रखिए जो वेला की जो ट्यूब होती है ये होती है आपकी 60 ग्राम की, और इस 60 ग्राम के ट्यूब के अंदर आपको कोई भी स्पेशल मिक्स ऐड करना है 5 नंबर के बेस पर, तो अकॉर्डिंग टू जो चार्ट, यानी जो मैंने चार्ट बताया उस चार्ट के हिसाब से आपको ये इसके अंदर 6 ग्राम ऐड करना है, यानी इस ट्यूब के अंदर आपको वो 6 ग्राम ऐड करना है। यानी याद रखिए, जो 55 स्ट्रोक 66 जो ट्यूब है उसके अंदर आपको 0 स्ट्रोक 66 अगर ऐड करना है उस कलर की वाइब्रेंसी या इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए, तो आपको 6 ग्राम ऐड करना है, क्योंकि इसका बेस है 5, और 5 नंबर का बेस के लिए आपको 6 ग्राम स्पेशल मिक्स कलर ऐड करना है अकॉर्डिंग टू द चार्ट। चलो फाइनली और एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज आपके पास ये देखिए कलर है 8 स्ट्रोक 45, ध्यान से देखिए 8 स्ट्रोक 45, और यहाँ पर सपोज आपको 45 की इंटेंसिटी बढ़ानी है या वाइब्रेंसी बढ़ानी है, तो आपको इसके अंदर 0 स्ट्रोक 45 कलर ऐड करना है। याद रखिए, ये जो 0 स्ट्रोक 45 इसके अंदर आपको ऐड करना है अगर आपको 8 स्ट्रोक 45 की इंटेंसिटी बढ़ानी है। अभी यहाँ पर देखिए, ये जो कलर है इसका बेस या डेप्थ है 8 नंबर का, और अकॉर्डिंग टू चार्ट आपको 8 नंबर के कलर के अंदर अगर आपको स्पेशल मिक्स ऐड करना है तो आपको ये 3 ग्राम ऐड करना है। तो हम इस 8 स्ट्रोक 45 के अंदर, याद रखिए 8 स्ट्रोक 45 के अंदर हम लोग 0 स्ट्रोक 45 3 ग्राम ऐड करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये था वेला ब्रांड की जो स्पेशल मिक्स कलर है वो आपको कितनी क्वांटिटी में कोई भी कलर के साथ किस ऐड करने हैं ताकि आप उस कलर की वाइब्रेंसी बढ़ा सको या उसकी इंटेंसिटी को इम्प्रूव कर सको। और मुझे यकीन है आपको ये वीडियो अब अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बाकी दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को दिल से एक थम्सअप ज़रूर करें। और मैं फिर से एक बार कहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और साथ में बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको ऐसे ही नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। बाकी मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कोई और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।